संपत्ति कर की वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक ली। आयुक्त ने शत प्रतिशत संपत्ति कर की वसूली को लेकर निर्देश दिए। 50,000 से अधिक संपत्ति कर की राशि का भुगतान नहीं करने वालों के नाम सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने और शत प्रतिशत वसूली को लेकर राजस्व अधिकारियों और स्पैरो साफ्टेक के कर्मचारियों की बैठक ली। वसूली की धीमी गति को देखकर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। संपत्ति कर की राशि विभिन्न माध्यमों से वसूलने आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निर्देश दिए। साथ ही निगम के राजस्व अधिकारियों और स्पैरो के कर्मचारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने निर्देशित किया। बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने, निगम अधिनियम के तहत कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने अभी लास्ट वीक में मैंने टैक्स का बैठक लिया था प्रॉपर्टी टैक्स संबंध में, तो उसमें स्पैरो कंपनी या हमारे राजस्व टीम के द्वारा अवगत कराया गया था सर कि बकायेदार जो है, जो बड़े बड़े बकायेदार हैं 50,000 से ऊपर वाले, जो अभी तक टैक्स नहीं पटाया है, तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे लोगों की सूची बना लीजिए और सूची बनाकर इंडिविजुअल को नोटिस दो, अगर नहीं पटाते तो फिर उनके पेपर में नाम प्रकाशित करेंगे। उसके काम अभी चल रहे हैं प्रक्रिया में। सर जैसे नाम प्रकाशित होने के बाद भी अगर नहीं करते तो कानूनी प्रक्रिया भी? हाँ, उसके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे उसकी। बहरहाल शत प्रतिशत संपत्ति कर की वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक के बाद कार्य में कितनी प्रगति होती है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।